आप सभी साथियों को मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक और स्वागत करता हूं आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके बीच एक बहुत ही शानदार सी कहानी लेकर के आया हूं और ये कहानी आपको एक बहुत शानदार सा मैसेज देकर के जाएगी। पूरी सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ये कहानी है दोस्तों एक पिता और एक बेटी की। एक पिता और एक बेटी मार्केट जा रहे थे, तभी रास्ते में उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा पेड़ सड़क पे गिरा हुआ है। तो बेटी ने पिताजी से बोला कि पिताजी अब क्या करेंगे। तो पिताजी ने बोला हटाएं इसको। तो बेटी बोली कि क्या पिताजी मैं इसको हटा सकती हूं। तो पिताजी उससे कहते हैं बिल्कुल बेटा आप हटा सकती हो, अपनी पूरी ताकत तो लगाओ। बेटी एकदम जोश में आई और जोश में आने के बाद गई, जाने के बाद क्योंकि पिताजी ने बोला है हटा सकते हैं, तो जाने के बाद पूरी ताकत लगाती है, उसके अंदर जितनी ताकत होती है पूरी ताकत लगाती है। लेकिन वो छोटी सी बच्ची कहाँ से पेड़ हिलने वाला है, पेड़ हिला भी नहीं। अब होता क्या है, वो वापस आती है और कहती है पिताजी वो तो हिला भी नहीं। तो पिताजी उससे कहते हैं बेटा एक बार और प्रयास करके देखो, हो सकता है आपकी कहीं कोई कमी रह गई हो। मैंने आपसे बोला बेटा अपनी पूरी ताकत लगा करके देखिए। लड़की फिर से गई, उसने सोचा हो सकता है कहीं मुझसे कोई कमी रह गई हो, इस बार अपना पूरा एफर्ट करके देखते हैं। और लड़की फिर से गई, जाने के बाद अपनी पूरी शक्ति लगा दी उसने, उसके अंदर जितनी ताकत थी अपनी पूरी शक्ति लगा दी उसने। और पूरी शक्ति लगाने के बाद बावजूद भी वो पेड़ नहीं हिला। फिर से वापस आती है और पिताजी से कहती है पिताजी वो तो हिल ही नहीं रहा है। पिताजी कहते हैं हटेगा बेटा, लेकिन मैंने आपसे बोला कि आप अपनी पूरी ताकत लगाएं। तो लड़की ना थोड़ा गुस्सा हो जाती है, चिड़चिड़ापन सी हो जाती है, बोला कहां से मैं पूरी ताकत लगाऊं, मैं तो अपनी पूरी ताकत लगा रही हूं, वो तो हिल भी नहीं रहा, आप देखते देखते खड़े हैं, कैसे मैं और कौन सी ताकत मैं अपनी लगाऊं। पिताजी बोलते हैं बेटा मैंने आपसे ये नहीं बोला था कि आप अपनी इंडिविजुअल ताकत को लगाएं, मैंने आपसे बोला कि आप अपनी पूरी ताकत लगाएं, यानी कि आपकी इस समय पर सबसे बड़ी ताकत कौन है, मैं। आप मुझसे मदद मांग सकती थी, आप मुझसे बोल सकती थी कि पिताजी मेरा साथ दीजिए, मुझे इस पेड़ को हटाना है, आप मुझसे मदद मांगती, मैं आपकी सबसे बड़ी ताकत हूं। आपने अपनी इंडिविजुअल ताकत लगाई लेकिन अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई। तो वो लड़की पिताजी से कहती है पिताजी मेरी मदद कीजिए, मुझे इस पेड़ को हटाना है। और दोनों जाते हैं और जाकर के पेड़ को हटा देते हैं। दोस्तों इस छोटी सी कहानी में एक बहुत बड़ा मैसेज छुपा हुआ है। हम लाइफ में अकेले लगे पड़े रहते हैं, हमेशा अकेले लगे पड़े रहते हैं, कोई भी काम करना हो अकेले करना हो, अपनी बुद्धि लगाना हो, लेकिन कभी कभी ऐसे बहुत से काम होते हैं जिनमें हमें लोगों के सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। हमें लोगों से सपोर्ट लेना चाहिए। हमारी सबसे बड़ी ताकत है हमारी टीम, हमारी सबसे बड़ी ताकत है हमारे आसपास के लोग, हमारी सबसे बड़ी ताकत है हमारा समाज, हमारी सबसे बड़ी ताकत है हमारी कम्युनिटी जिसके साथ हम काम कर रहे हैं, जिसके साथ हम रह रहे हैं, जिसके साथ हम जी रहे हैं, जिसके साथ हम सपनों को देख रहे हैं, जिनके साथ हम खेल रहे हैं, हंस रहे हैं। हमारी सबसे बड़ी ताकत वो लोग हैं, हमें उनके साथ मिलकर के आगे बढ़ना चाहिए, हमें अपनी टीम के साथ मिलकर के आगे बढ़ना चाहिए। अगर अपनी टीम के साथ मिलकर के हम आगे बढ़ते हैं, अपनी सराउंडिंग के साथ आगे बढ़ते हैं, अपनी कम्युनिटी के साथ आगे बढ़ते हैं, तो हमारी वो ताकत सबसे बड़ी ताकत है। वो कहते हैं ना कि हर इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकती है एक टीम। आपने शायद सुना ही होगा 40 सिख थे गुरु गोविंद सिंह के पास चमकौर के युद्ध में, और 10 लाख की सेना को उन्होंने हरा दिया। क्यों? एक टीम में काम किया। अकेले गुरु गोविंद सिंह ऐसा नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने एक टीमवर्क में काम किया, अपनी पूरी ताकत लगाई और उन्होंने कर दिखाया। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अगर किसी में है तो टीम में है। कम्युनिटी के साथ आगे बढ़ें, अपने लोगों के साथ आगे बढ़ें। बहुत सारे आपके आसपास के लोग ऐसे हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं, आपकी टीम है जो आपकी मदद कर सकती है। लोगों से अच्छा रिलेशन बिल्ड करें, उनके साथ आगे बढ़ें। जब आपकी पूरी ताकत आपके साथ होगी तो जीवन में सारे सपने आपके साथ होंगे। दोस्तों अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो आप इसको इतना ज़्यादा शेयर करें, अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करें, जिससे कि वो भी कुछ सीख सकें और इंस्पायर हो सकें। साथ ही साथ अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें,
बेल आइकन हिट करें और सबसे इम्पोर्टेंट बात लाइक करें और एक कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। आपका एक कमेंट मेरा हौसला बढ़ाता है, मुझे ताकत देता है, हिम्मत देता है कुछ और अच्छा करने के लिए, जिससे कि मैं आपको और इंस्पायरिंग वीडियो ला करके देता रहूँ। बाकी दोस्तों, मैं आप सब भाइयों की और आपके परिवार की उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए ऊपर वाले से यही दुआ करूंगा कि आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हमेशा हंसते खेलते रहें, तरक्की करें। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू दोस्तों।